इसके फर्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यूज करती है और कैसे यूज कर और कैसे यूज करती है यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो चार हमने मेंशन किए हैं ये चार आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ओप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अभी आप इनके सिर्फ नाम याद कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में आप बारी बारी या इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद हम इनको इनमें से कुछ एब्स्ट्रैक्शन को और इनहेरिटेंस को हम डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, अब इसके सामने जो आपके पास हाईलाइटेड है वो क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन्स इन रियल लाइफ। कि आपके पास क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स का और इंटरेक्शन हो रहा है आपस में जिस तरह रियल लाइफ में होता है। ठीक है कि हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इस तरह विजुलाइज करते हैं जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इस तरह विजुलाइज करते हैं, इस तरह व्यू करते हैं जिस तरह ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं इन अ रियल लाइफ। अब आगे एग्जांपल्स पे चलते हैं। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले बात की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। आप लोगों क्योंकि C++ पढ़ चुके हैं आपको आइडिया होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, तो हम दोबारा भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को। क्लासेस आपके पास क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं और इट कंटेन्स डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट आपके पास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास। ठीक है, तो होपफुली आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट रिकॉल हो गया होगा। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल्स पे नीचे आ जाएं। ये देखें आपके पास इन्होंने चार ऑब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, अ पर्सन, अ हाउस, अ ट्री, अ कार। ठीक है, अब इन चारों का इंटरेक्शन है आपस में, या इनमें से तीन का इंटरेक्शन, हम तीन को आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, पर्सन को, हाउस को और कार को। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, देखें अली लिव्स इन अ हाउस और अली कार को ड्राइव कर रहा है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट हो गए, अली लिव्स इन अ हाउस एंड अली ड्राइव्स इन अ कार, सॉरी अली ड्राइव्स अ कार। अब स्कूल के एग्जांपल ले लें, स्कूल में आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बुक्स, पेन, स्कूल बैग, क्लासरूम एटसेट्रा, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नीचे आ जाएं, आप देखिए वही बात हो रही है इन अ पिक्चर फॉर्म, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास मेंशन है, बुक, पेन, प्लेग्राउंड, पेरेंट्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी। अच्छा, अब यहाँ पे फी कलेक्शन सिस्टम के एग्जांपल की बात हो रही है कि हमने अगर एक फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट्स और उनके इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब इटैलिक में पे फोकस करें, इटैलिक में क्या चीज मेंशन है, सो वी कैन से दैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट दैट बिहेव्स इन अ सर्टेन वे
एंड हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मीन्स ऑब्जेक्ट, कि हर चीज को हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक सर्टेन वे में बिहेव करेगी और उसकी कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगे. ठीक है, अब आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का डिफरेंस आप लोग देख लें, समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आपके पास फंक्शंस पर बेस करती है, फंक्शंस सिंपली कॉलिंग द फंक्शंस. ठीक है, और दूसरी बात, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग्स आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, डाटा हाइडिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग्स में नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ does not have any proper way for hiding data, so it is less secure. अब आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आपके पास डाटा हाइडिंग है, सो इट इज मोर सिक्योर. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपके पास फंक्शन इंपॉर्टेंट है डाटा से, बट इन कंट्रास्ट टू ओप आपके पास क्या है, ओप्स डाटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फंक्शन. ठीक है, अब आपको ये समझ आ चुका है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है. यही बात यहाँ पर हो रही है. वी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वी मूव आवर कंसिडरेशन टू ऑब्जेक्ट्स इन कंट्रास्ट टू प्रोसीजरल पैराडिगम. के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कंट्रास्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास मॉडल. मॉडल क्या चीज है? अब मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल. अच्छा, अब आप एब्स्ट्रैक्शन को समझ लें कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है. ये देखिए, यहाँ पर आपके पास एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन किया है. एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास एसेंशियल इंफॉर्मेशन डिफाइन है और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वो हाइड है. ये एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है. हम इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे, इसको एज एग्जाम्पल समझते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट्स शो होते हैं और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके पास हाइड होती है. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं. ब्रेक अप्लाई में क्या है आपके पास, ठीक है, कि गाड़ी रुक जाती है. अब ब्रेक अप्लाई होने के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हाइड है एंड इट इज कॉल्ड हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, ड्राइवर को सिर्फ ब्रेक अप्लाई करने से गर्ज है कि उसकी गाड़ी रुक जाए. ठीक है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस ब्रेक अप्लाई होने में क्या मैकेनिज्म है और वो जो पीछे उसके मैकेनिज्म है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है. देखिए, इसको हम अगर थोड़ा पढ़ के देख लें, ठीक है, ही डज नॉट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म ऑफ द कार और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटर ब्रेक्स इन द कार. दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज. कंसीडर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार. The man only knows that pressing the accelerator will increase the speed of a car or applying brakes will stop the car, but he does not know about how on pressing accelerator the speed is actually increasing. तो ये आपके पास he does not know, ठीक है, तो ये आपके पास information hiding का concept है. तो इससे ये आपके पास abstraction की example आ गई. ठीक है, मॉडल एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है, हाईवे मैप्स, आर्किटेक्चुरल मैप्स, मैकेनिकल मैप्स एट्सेट्रा. अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, ठीक है, अब हम थ्रू मॉडल्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं. मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ठीक है, और दूसरी चीज,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स शोड सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। एक आपको मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि किस तरह ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मॉडल्स हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू आर मोर देन टू आर मैनी ऑब्जेक्ट्स हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखें, हम जो पहले भी बात कह चुके हैं, अली लिव्स इन अ हाउस एंड अली ड्राइव्स अ कार। तो एक तरफ आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरी साइड पे आपके पास, आपकी राइट साइड पे इनका इंटरेक्शन शो हो रहा है। अली और हाउस का आपस में क्या रिले, क्या इंटरेक्शन है? अली और कार का आपस में क्या इंटरेक्शन है? और मजीद एग्जांपल्स पे चलते हैं। स्कूल मॉडल की आपके पास एग्जांपल है आ गई, देखें स्कूल मॉडल। अब स्कूल में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्लेग्राउंड भी है। अब इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है? ठीक है, और देखें फिर बुक्स भी हैं, पेंस भी हैं, स्कूल बैग्स हैं। अब ये टोटल मिला के 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो थ्रू मॉडल हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये 6 ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, थ्रू मॉडल वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब आगे एडवांटेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं मॉडल्स के? हम इजीली डेवलप कर सकते हैं एक मॉडल को, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट, वी कैन इजीली इंप्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट। तो तीन बेसिक एडवांटेजेस हैं मॉडल के। कौन कौन से भला? एक इजीली डेवलप हो रहा है, एक आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और थर्ड आप इजीली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स कह लें, ये ऑब्जेक्ट्स को आगे आप डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स को कौन कौन सी हैं? समथिंग टेंजिबल एंड सेकंड समथिंग कंसेप्चुअल। टेंजिबल कौन सी चीज है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। मींस नाउंस, अली, स्कूल, हाउस, कार, टेबल, चेयर। ओके, दीज आर द टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट्स मे बी द कंसेप्चुअल दैट मे हैव मे डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल्स, टाइम, डेट। आपके पास इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा बैक पे चलते हैं। जो एक पॉइंट रह गया है इनहेरिटेंस का, यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि वी कैन इजिली इंप्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर प्रॉब्लम यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज यूजिंग फीचर्स लाइक क्लासेस, इनहेरिटेंस, virtual functions and so on. So, अभी हम inheritance को देखते हैं कि inheritance क्या है। Inheritance simple meaning है, इसको हम उर्दू में विरासत कहेंगे। ठीक है, और computer science की example में इसको कैसे define करेंगे? Inheritance is a mechanism in which one class acquires the property of another class. आपके पास दो classes हैं, यहाँ पे फिर आपके पास parent और child class का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड इनहेरिट्स द ट्रेड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। और इसका फायदा क्या है हमारे पास कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस हेल्प्स अस इन द रीयूजेबिलिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। चलें
अब वापस आते हैं हम अपने मेन लेक्चर पे। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की, हमने देखा टेंजिबल और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स। अब ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट हैज, एक ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या है, उसकी स्टेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी ऑपरेशंस, बिहेवियर्स, और नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स पे आते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की। अली की एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम है और एज है, और अली का बिहेवियर क्या है, ऑपरेशंस, वो ही इज वॉकिंग, ही वॉक्स एंड ही ईट्स, और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके नाम के साथ, एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ। मींस जिस तरह, ठीक है, कार इज आल्सो एन टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। कार के एट्रीब्यूट्स क्या है आपके पास, कलर है, मॉडल है, दूसरी तरफ इसका ऑपरेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, एक्सेलरेट, स्टार्ट कार और चेंज गियर। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी की ऊपर जब बात हो रही थी, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं, स्टूडेंट आईडी के थ्रू। अब नाम सेम हो सकते हैं, अली बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो हर एक की स्पेसिफिक है। तो हम हर स्टूडेंट को उसकी एक स्पेसिफिक आईडी से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं अब आगे, या इसको आप कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, इनकी दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जांपल्स आर्स, सेकंड्स, मिनट्स, और इनका बिहेवियर क्या है, सेट और गेट आर्स, गेट सेकंड्स और गेट मिनट्स। ओके, चलें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अच्छा, we will assign our own generated unique ID in the model for time object। यानी हम ऑब्जेक्ट्स को अपनी यूनिक आई डीज पर असाइन कर सकते हैं। इस तरह आगे डेट की एग्जाम्पल है कि डेट भी आपके पास एक इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। उसकी एग्जाम्पल, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ईयर है, डे, मंथ, और उसका बिहेवियर क्या है, गेट ईयर, सेट और गेट डे और गेट मंथ। तो ये ऑपरेशंस हैं। तो डिफरेंस अब आपने टेंजिबल और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स का, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हम लेक्चर के लास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो समराइज कर लेते हैं। समरी में हमने क्या देखते हैं कि मॉडल इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सम रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मॉडल एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी मॉडल की वजह से हम एक सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट, सेकंड के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ एनी सिनेरियो डिस्क्राइब्स दैट सिनेरियो इन द फॉर्म ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने ऊपर स्कूल की एग्जांपल ली थी कि स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्लेग्राउंड्स, पेन, बुक्स, ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह मॉडल आपको इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की मदद से हम रियल वर्ल्ड को मैप कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को कैसे हम अचीव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप के थ्रू। और नंबर फाइव, properties of an object are described using its data members and behavior of an object is described using its functions। ये देखिए separate भी लिखा हुआ है कि object के properties को कैसे define होंगी, through its data members। ठीक है, classes are objects का concept, classes contains the members। ठीक है, properties of an object are described using its data members।
एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग इट फंक्शंस। मीन्स आप डाटा मेंबर्स को यूज करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शंस को डिस्क्राइब यूज करते हुए और फंक्शंस को यूज करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बता सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा, अब नेक्स्ट, जनरली व्हेन वी हैव गिवन अ सर्टेन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, नाउन्स इन दैट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस आर कैंडिडेट्स फॉर बिकमिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सिस्टम। नाउन्स, देखिए हमने अली की एग्जांपल ली थी, स्कूल की एग्जांपल ली थी, कार, टीचर, ठीक है, ये सब चीजें क्या हमारे पास नाउन्स हैं। तो नाउन्स आर द कैंडिडेट्स ऑफ बिकमिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कंसिडर हो रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कंसिडर हो रहे हैं। और नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट के मोर देन वन एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। और लास्ट टू पॉइंट्स, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट का लाजमी है कि उसका एक स्पेसिफिक रोल हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रोल भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज इजियर टू डिवेलप प्रोग्राम्स यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज क्लोजर टू रियल लाइफ। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन को डेवलप करना क्यों आसान है, क्योंकि ये हमारे पास रियल लाइफ से ज्यादा क्लोज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपका ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर लेक्चर के बारे में कोई कमेंट है या कोई सजेशंस है, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।